टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। देश की राजधानी में अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधियों में कानून का डर खत्म होता दिख रहा है। हाल ही में पश्चिमी बिहार इलाके में एक बार फिर राजधानी को शर्मसार कर दिया है। निर्भया के दोषियों को फांसी मिलने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे समाज में एक संदेश जाएगा और लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से डरेंगे। वह पश्चिमी बिहार में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म ने बता दिया है कि अपराधियों में कानून का कोई डर खौफ नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली है और 12 साल की बच्ची खून से लथपथ मिली बच्ची को आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालात नाजुक बताई जा रही है। दरअसल मामला है दिल्ली के पश्चिमी बिहार इलाके की है। 12 साल की बच्ची के साथ हुए दरिंदगी के मामले में नाबालिग के साथ यौन हिंसा की घटना के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित लड़की की इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रही है। 24 घंटे का समय दिया है डॉक्टर ने कि खतरे से बाहर हो सकते हैं या नहीं। आरोपी ने लड़की के चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से प्रहार किया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार की तरफ से 10 लाख मुआवजा देने की बात कही। घिनौना हरकत करने वाले दरिंदों ने दिल्ली को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है, झकझोर दिया है। वही मुख्यमंत्री ने कहा लड़की के हालात गंभीर है, आप सुनिए। इसी बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ उसका बलात्कार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। उसको बहुत अंदर तक चोटें आई हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन करना भी बड़ा मुश्किल है। वो बेहोशी की हालत में है। जब आई थी उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, बता रहे हैं डॉक्टर्स, मंगलवार को। और उसके सर्जरी की गई है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। अभी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ने अभी बताया कि 24 से 48 घंटे और देखना पड़ेगा कि वो खतरे से बाहर आती हैं क्या। उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत ठीक होके यहाँ से जाए। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी अभी बात की थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को पकड़ने की और पुलिस जांच और सब जारी है, और उम्मीद करते हैं कि दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी सरकार, सबसे अच्छे वकील खड़े करके कोर्ट में ताकि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और परिवार को हम 10 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मुआवजा देंगे। वैसे तो जो कुछ हुआ उसका कोई मुआवजा बनता नहीं है, बहुत घिनौना काम हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से ये मदद सहायता राशि हम परिवार देख सवाल। सर, सुबह दिल्ली पुलिस के अधिकारी से बात हुई तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बच्ची असोल्ट नहीं हुआ है, मतलब वो मना कर रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप या गैंगरेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई। क्या वो छुपा रहे हैं अपनी कमियां? मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको वो बता रहा हूं जो भी मेरी डॉक्टर। ये दिल्ली की घटना है, बेहद खौफनाक दर्दनाक घटना है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।